सो गाइस यार एक छोटा सा हो गया मसला। मसला क्या हो गया भाई, देखो दो और भाई आज लेट इसलिए व्लॉग का स्टार्ट करा है क्यों मॉर्निंग में थोड़ी हालत बालों की आप समझ रही हो, पिछले दो तीन व्लॉग में आपने देखे होंगे मेरे बाल कैसे थे। तो सुबह जब मैं गाड़ी में बैठ के व्लॉग स्टार्ट करने लगा तो मैंने अपनी शक्ल देखी तो मैंने बोला नहीं भाई कटिंग कराने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज का अपडेट क्या रहने वाला है, इस वीडियो में बने रहो। आज फॉर्च्यूनर के पास जाना है, जो बचा बुचा उसका काम है वो सनी भाई से करवाना है और कल करवाएंगे पेंट, जो काम बैलेंस है उसको आज, इतना कोई मेजर काम नहीं है, सिर्फ फॉग लाइट की जो कटिंग है वो ज्यादा मेजर है। पेंट तो हम कल मरवा है, सैटरडे पूरा दिन पड़ा तो हम आराम से करा सकते हैं। बने रहो वीडियो में, मिलते हैं अब आपको आगे। सो गाइस यार एक छोटा सा हो गया मसला। मसला क्या हो गया भाई, देखो हम बैठे हैं अभी स्विफ्ट में, तो स्विफ्ट लेके कहीं आए थे नरवाल में, कुछ सामान खरीदना था तो भाई गाड़ी चढ़ गई रैंप के ऊपर, इस साइड वाला टायर फट गया और अब आपको पता है ये जो गाड़ी है ये ड्राइव करते हैं मेरी मदर, तो स्टेपनी लगाई है भाई। अब जाके पहले इसमें टायर लाएंगे, इसके चारों टायर चेंज करा देंगे क्योंकि वैसे भी थोड़े टायर जो है इसके नॉर्मल हो गए हैं और मैंने सोचा चलो अभी फट ही गया तो फिर चारों टायर नहीं डालेंगे। तो भाई टायर डलाने जा रहे हैं त्रिकुटा नगर, हमारे भाई की शॉप है, वीडियो में बने रहो, वहां जाके आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। सो गाइस यार आ गए हैं कब्बर के फाइनल टचअप के लिए, तो ये देखो भाई लाइट्स वगैरह सब कुछ खुल गया और इस टिप पे लगने लगे हैं अब डॉट्स, जो क्रोम के जो इस पे नट लगने हैं वो भाई देखो स्केल से मेजर कर रहे हैं और स्टार्ट होने लगा। मेकअप दिखाते हैं भाई आपको, वीडियो में बने रहो, पूरा कंप्लीट मेकअप आपको साथ साथ में दिखाते रहेंगे और वीडियो में बने रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस यार ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हो गया था एक छोटा सा सुराख, उसकी वजह से क्या हो गया था कि गाड़ी बैक फायर मारना बंद कर गई थी, तो ये अभी सन्नी भाई उसको वेल्ड कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग करके वो सुराख को कर देंगे बिल्कुल बंद। और आगे वाला जो इसका माउंट है वो अभी हमने उतारा हुआ है, वो भी आपको अभी दिखाएंगे, वो देखो जो ये पड़ा हुआ नीचे, इसको आगे वेल्ड करके प्रॉपर तरीके से जो ओके कर देंगे साइलेंसर को, तो सो दैट की गाड़ी के बैक फायर मार दे। कुछ सामान मंगाया था टोयोटा से, बाहर मिल नहीं रहा था और फॉर्चुनर की ब्रेक का कुछ इशू आ रहा था, आपको पता ही, आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा ही होगा, तो ब्रेक का कुछ सामान मंगाया था वो आ चुका है, तो जा रहे हैं भाई टोयोटा, टोयोटा पहुंच के आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। ये रहा भाई हमारा टोयोटा का शोरूम, तो भाई ये रहा हमारा बिल और ये रहा भाई हमारा सामान, तो जो सामान था हमारे टोयोटा का, जो हमारी गाड़ी फॉर्चुनर का सामान था ये रहा। अब जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं और सीधा मिलते हैं अब आपको गाड़ी के पास। तो भाई आपको पता चल ही गया होगा कि क्या काम था गाड़ी का, भाई इसके पिछले ब्रेक लैदर जो थे वो मिल नहीं रहे थे, तो अब वो चेंज कराते हैं तो जल्दी से। सो गाइस यार लैदर की फिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो भाई नई चीज़ नहीं होती है भाई, और अब फिटिंग चल रही है। तो भाई एक साइड हो गई है पूरी कंप्लीट और बंद कर दिया, लेकिन भाई अब निशान बढ़ गए क्योंकि हथौड़े से इसको ऐसे खुलता नहीं, आपको पता ही हथौड़े के साथ इसको ठोक ठोक के फिर खोलना पड़ता है। पेंट करेंगे इसको, वो भी आपको दिखाते हैं वीडियो में।
भाई इस साइड का हो गया कंप्लीट, टायर भी फिट कर दिया, ब्रेक पैड्स भी फिट कर दिए और टायर भी इंस्टॉल हो गया। ये हो गया राइट साइड का, अब लेफ्ट साइड का करेंगे स्टार्ट। गाइस आ गई है नेक्स्ट टायर की टर्न दूसरी साइड की, और देख लो अब ये वाला टायर उतरने लगा, तो भाई जल्दी से ये टायर उतारेगा। भाई ऑफ रोड के नुकसान देख रहे हो, ये देखो रस्ट, देखो भाई नटों को देख रहे हो, देखो तो ये जो रस्ट लगी है ना भाई, ये क्या है, ये मिट्टी गई है टायर में, अंदर गई है नट में, तो उसकी वजह से रस्ट लगी है। ओह ओह हो भाई देखो भाई रस्ट का लेवल चेक करो यार। तो भाई ये भी साइड हो गई है पूरी कंप्लीट, नट लगाने लगा दोनों साइड, मतलब ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया सारा। अब ब्रेक चेक करेंगे, इसकी हैंड ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करती थी, अब वो एक छोटी सी ट्राई लेंगे, हैंड ब्रेक चेक करेंगे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रॉपर हो ही गया सेट। तो फिर मिलते हैं अब आपको आगे। एक एडिशन और करने लगे अपनी गाड़ी में। पहले मैंने सोचा था कि छत भी हम इसका पेंट करवा देंगे, क्योंकि आपने देखा कि छत का जो पेंट है, गाड़ी बाहर खड़े खड़े धूप में खड़े खड़े ना, उसका रंग फेंट हो रहा है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा गाड़ी पे, मतलब बाहर से गाड़ी की आउटलुक इतनी है, छत से जो है पूरा गाड़ी का फेस इंप्रेशन जो है वो खराब हो रहा है। तो भाई छत जो हमारे जम्मू में जो सबसे तगड़ी जो अच्छी प्रीमियम जो टेप लगाते हैं वो लगाते हैं भाई शास्त्री नगर में, एक भाई हैं उनका काम ही सिर्फ यही है, टेप शेप करते हैं और मतलब स्टिकर्स ग्राफिक्स का काम है। तो वहां जा रहे हैं, छत करवा देंगे इसका ग्लॉसी ब्लैक, तो वहां जाके अब आपको दिखाते हैं फिर आगे के सीन। तो भाई अंधेरा हो गया है बहुत ही ज्यादा, गाड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं आपको टेप दिख रही है नहीं दिख रही है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं दिखाते हैं आपको आगे। The next day. तो भाई पहुंच गए हैं गाड़ी के पास और लाइट फॉग लाइट का काम हो गया स्टार्ट, अंकल कर रहे हैं कटिंग, कोई मान ही नहीं रहा था भाई ये बहुत मोटी शीट है, कहते भाई इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अंकल मान गए हैं, तो फाइनली कटिंग चल रही है। तो भाई दिन काफ़ी टाइम हो गया भाई, भूख भी लग रही है, तो कटिंग भी चलती रहेगी यहाँ से, गाड़ी का काम भी दिखाते रहेंगे। तो अभी टाइम आ गया पेट पूजा का, तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई अंकल को काम करने देते हैं, अंकल अपना काम करते रहेंगे, तो अब भाई हमें लगी भूख पेट पूजा, तो अब आपको सीधा मिलते हैं स्पॉट पे। तो भाई खाना देख के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देख लो भाई गर्मा गर्म नान लस्सी भी आ गई है। एक चीज आपको दिखाऊं, ये देखो, तो भाई पंजाब की मशहूर डिश है ये पंजाबी छित्तर। तो भाई यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मुझे पता है बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये कुछ जो स्टड्स हैं ना ये लग नहीं रहे थे, तो यहाँ पर खराबी के पास आने पड़ा, यहाँ पर इसको बोर करना पड़ा, फिर अब ये कर रहे हैं ग्राइंड, और ये फाइनल जो दो नट में दिक्कत आई थी। तो भाई ये जो सुराख है भाई ये हो रहा है हमारे सीवी जो हमने यूनिट लगानी है उसका, यहाँ एंटीना लगेगा अभी आपको थोड़ी देर में वो भी नज़र आएगा। तो ये भाई ने यहाँ पर चूड़ी बना दी है, अब नट यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपको लास्ट फाइनल जो लुक है वो गब्बर की नज़र आएगी। भाई ये एंटीना बहुत ज़रूरी है सीवी यूनिट के लिए, और इस लुक भी काफ़ी एनहांस करता है फ्रंट बम्पर का, तो ये परमानेंट फिक्स होता है, इसलिए भाई यहाँ ड्रिल कर रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर में फ्रंट फेस की पूरी रिवील करेंगे, बम्पर का देखो पेंट भी जैसे आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, अभी आपको पूरा लुक दिखाएंगे बस थोड़ी देर में। तो भाई एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं और थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, अभी आपको दिखाएंगे क्या करने लगे हैं। आप जैसे देख रहे हो पीछे वो जैक लगा रहा है, तो जैक लगा के ये टायर हम अभी इससे रिमूव करेंगे, जैसे टायर रिमूव होता है उसके बाद का आपको बताता हूँ क्या कहानी है क्या। और ऑफ रोड वालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं पूरी आपको दिखाऊँगा क्या चीज़ है, तो जस्ट अब आप वेट करो, जैसे टायर अनइंस्टॉल होता है उसके बाद का सीन आपको दिखाता हूँ, बने रहो वीडियो में। तो भाई टायर अनइंस्टॉल हो रहा है, तो अब टायर रिमूव करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। तो भाई कार्रवाई हो गई है शुरू, आप देख लो ये है, इसे बोलते हैं अंडर बॉडी सिलिकॉन, ये मिल नहीं रही थी, ये भाई दिल्ली से मंगवाई है। अंडर बॉडी जैसे कोटिंग आती है ना, जैसे कंपनी से आती है सिलिकॉन, एक रबर सा बना हुआ आता है, आपको ये खुद कराना है, खासकर जो ऑफ रोड पे जाते हैं मेरे भाई, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को देना रंजन, मेरे को देना, मैं मारूंगा, हट पीछे एक मिनट भाई, है क्या ये है भाई रबड़ का एक स्प्रे, ये रबर की कोटिंग सी हो जाएगी कि जैसे हम ऑफ रोड पे जाते हैं तो भाई पानी से लग जाता है जंग, मैं आपको जंग दिखाता हूँ, देखो जैसे ये देखो ये रस्ट लग गया हुआ ना, ये देख रहे हो, अभी इसको हम क्या करेंगे देख रहे हो आप, इस पे डालना बोरी यार, पूरा कोटिंग एक रबर जैसी आ रही है इसमें, तो भाई ये ऑफ रोड के पर्पज़ से ये बहुत ज़रूरी है। आप देखो एक पूरी एक लेयर सी चढ़ गई है इसकी, रबर की लेयर है ये हमारे में, तो आप एक किस्म की जो गाड़ी की लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी कि पानी से जंग नहीं लगेगा गाड़ी को।
सो गाइस, जैसे कि आपने देखा अंडर बॉडी भाई कोटिंग जो है ना, अभी तक तो मेरे को लगा कि भाई बेस्ट सिलिकॉन स्प्रे, इसको अंडर बॉडी स्प्रे बोलते हैं, ब्लैक कलर की हमने आज मारी है और देखते हैं अब नेक्स्ट एक दो ऑफ रोड पे इसका रिजल्ट आएगा। एक जो स्माइल है भाई फेस पे वो ये है, गब्बर आ गया बिल्कुल रेडी होके, तो बम्पर पेंट भी हो गया और जो लास्ट फॉग लाइट्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो गई है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी बाहर गाड़ी बाहर खड़ी है, मैंने पेंटर के पास, गाड़ी थी बहुत गंदी, जब मैं अभी पेंटर जो हमारे सोनू भैया पेंटर हैं उनके पास मैं गया था गाड़ी लेने, तो वहाँ गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसलिए मैंने गाड़ी आपको वहाँ नहीं दिखाई, वहाँ मैंने शूट नहीं करा। अब मैंने वॉश करने के बाद गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिख रही है भाई गाड़ी, तो आओ आपको ले चलता हूँ बाहर और लास्ट फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको गब्बर की। आप तो भाई ये कुछ लुक आई है आप देख रहे हो गब्बर की। तो गाइज यार कैसा लग रहा है अपना गब्बर देख लो भाई, पेंट भी हो गया और ये देखो आप ये चीज़ कैसी लग रही है भाई। ये मेरा जो मैंने अपने से ये डिज़ाइन दिया है इस बम्पर को, देख रहे हो आप शक्ल तो आपने पहले भी बहुत बार देखे हुए हैं जो ये डिज़ाइन। और ये भाई हमारा आ गया CB यूनिट का, जो हमारे CB यूनिट का एंटीना है ये भी इंस्टॉल हो गया भाई, बहुत लंबा है देख रहे हो, और फॉग लाइट तो पहले हो ही गई, और पेंट देख लो भाई, पेंट की क्वालिटी चेक कर लो भाई, क्या कर रहे हो। तो एक साइड लुक आपको लास्ट दिखाते हैं, तो करते हैं व्लॉग को यही एंड। ये देखो भाई अब जो गब्बर की लुक आई है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त आई है, देख रहे हो चेक कर रहे हो गाइस भाई कैसी लगी गब्बर की फाइनल लुक। तो भाई अगर सारे जितने भी मेरी YouTube फैमिली है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना गब्बर की लुक जो फाइनल है वो कैसी लग रही है भाई। अगर अच्छी लग रही है तब भी लिख देना भाई, और अगर आपको पसंद नहीं आई तब भी लिख देना, लेकिन कमेंट जरूर करना भाई, जो इतने दिन की मेहनत है वो सामने देख रहे हो भाई। छोटा छोटा काम ऑफ रोड की गाड़ी में ना, काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता भाई, ये तो अभी पता ही है। अभी जैसे मैं सोच रहा था कि भाई ये लास्ट मैंने अब ये काम कराना है, इसके बाद मैंने दोबारा अब मैंने वर्कशॉप नहीं जाना क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ पिछले 1.5 महीने से वर्कशॉप दौड़ दौड़ के। लेकिन फिर मेरे को बाद में याद आ गया एक दो चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं वो तो अभी इंस्टॉल ही नहीं करी हैं, वो चीज़ें क्या है वो आपको नेक्स्ट अगले व्लॉग्स में नज़र आ जाएंगी। और ये था कुछ भाई आज का व्लॉग, व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं भाई, वीडियोस कैसी लग रही हैं, अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब, दबा के शेयर करो भाई, प्यार दिखाओ मेरी YouTube फैमिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ KS व्लॉग 0786, बाय बाय।